ये छोटी छोटी मॉडल्स जो हैं जम्मू की हैं, जम्मू प्रोविंस से हैं, कुछ उधमपुर से। और आज यहाँ पर प्रेस क्लब जम्मू के अंदर एक इवेंट हो रहा है मॉडलिंग का, जहाँ पर हमारे जम्मू के बच्चे जो हैं वो भाग ले रहे हैं। कुछ बाहर से आए हैं, जजेस बाहर से आए हैं, और इनसे चर्चा करेंगे क्योंकि उत्साह देखते ही बनता है। आपका क्या नाम है? छाया गुप्ता। छाया गुप्ता, आप जम्मू से? छाया गुप्ता। छाया गुप्ता, आप जम्मू से ही हो? हाँ जी। अच्छा, आप यहाँ मॉडलिंग कर रहे हैं कि डांस में? मॉडलिंग, डांसिंग, एक्टिंग, सब कुछ। तो आप पहली बार कोई इवेंट में भाग ले रहे हैं? इससे पहले भी आपने भाग लिया? इससे पहले भी आर्ट्स की हैं, थोड़ी बहुत लुथरा वालों के साथ, उनके साथ आर्ट्स की हुई है मैंने, और अब ये इवेंट पे भी मैंने पार्टिसिपेट किया है। कैसा लग रहा है परफॉर्म कर? बहुत अच्छा लग रहा है। और क्या क्या शौक है आपको? डांस करना, एक्टिंग करना, मॉडलिंग करना, ये सबसे ज़्यादा शौक है। लड़कों को पीटना शौक है? हाँ, ये भी है। आजकल लड़कियों को एक खासा शौक है, वो चाहती हैं कि जब कहीं लड़के मिले इनको पीटो। हमारी कोई लड़कों की गलतियाँ क्यों पीटो? जब वो कोई गलत बात करे या छेड़े या लड़कियों को कुछ गलत बोले तो पीटना जरूरी है उनको। कौन सी कक्षा में आप पढ़ रहे हो? मैं 8th में हूँ। वहाँ पर ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, सिखाई जाती हैं, मॉडलिंग वगैरह भी करवाई जाती हैं? हाँ, हमारे स्कूल में एक्टिविटीज़ सबसे ज़्यादा है, डांस, एक्टिंग, स्विमिंग और ये सब एक्टिविटीज़ स्कूल में ज़्यादा है। मम्मी पापा करते हैं सपोर्ट कि आप मॉडलिंग करना चाहते हो, डांस करना चाहते हो, जाओ? हाँ, कोई बात, पूरा सपोर्ट करते हैं मम्मा पापा। सिंगिंग का भी शौक है आपको? नहीं, सिंगिंग का नहीं है। अच्छा, पूरा मतलब पूरी तरह सपोर्ट करते हैं, ऐसा तो नहीं है घर में डांट रहे होते हैं बेटा ये कौन सा आपने पढ़ो स्टडी करो? नहीं, स्टडीज़ के टाइम स्टडीज़ और इसके टाइम इसके, उन्होंने कहा है कि आपने अपनी स्टडीज़ भी साथ साथ रखनी है, स्टडीज़ जैसे कर रहे हो वैसे ये भी, मतलब दोनों को इक्वल रखना है। तो अच्छा लगता है। मम्मी पापा को किसी चीज़ में रुचि है, वो भी चाहते हैं हम भी मॉडलिंग करें? कुछ होता ना माँ बाप को भी कि हम भी ये करें? आपके माँ बाप को किस बात की रुचि है? मम्मा को तो नहीं है, पापा को है एक्टिंग की। अच्छा, पापा बहुत अच्छा एक्टिंग करते हैं। तो ये कहीं थिएटर में करते हैं, घर में एक्टिंग कर रहे हैं? नहीं नहीं, पहले करते थे पापा एक्टिंग, और अब घर पे भी दिखाते हैं, अब बंद कर दिया, पहले करते थे पापा एक्टिंग। हाँ। अच्छा, आपका क्या नाम है? मानना जम्वाल। जम्वाल हो आप? जम्मू से? जम्मू के जो राजा महाराजा होते हैं, हमें तो सुना है कि वही महान थे, उन्हीं की वजह से आज हम लोग जिस दिशा में हैं, जिस दशा में हैं, उनकी वजह से हैं। प्राउड फील होता है? यस। घर में कोई लड़ाई झगड़े वाला माहौल तो नहीं है? क्योंकि राजा महाराजा रहे हैं तो ज़्यादातर फैसले जो होते हैं वो ठीक ही होते हैं, कोई गलत करें तो उनको पीटते भी हैं। आपके घर में भी इसी तरह का माहौल है? नहीं नहीं नहीं। किस किस चीज़ में आपको रुचि है? स्पोर्ट्स में है, डांसिंग भी है, मॉडलिंग में भी है। तो अभी आज आप किस में परफॉर्म कर रहे हैं, मॉडलिंग, डांस? डांस दोनों। अच्छा, दोनों। तो अच्छा लग रहा है, घर वाले करते हैं स्पोर्ट? कौन सा जज आपको यहाँ पर अच्छा लगा? नाम याद नहीं मेरे को, जो सिल्वर ड्रेस, जो जो सिल्वर ड्रेस पहनी नहीं है, क्राउन में। अच्छा, वो जो मैडम है हेल्दी से? हाँ, क्राउन वाले। क्राउन वाले क्यों? अच्छा, वो आपको अच्छी लगी? क्यों? पर्सनालिटी से। उन्होंने कोई आपको टिप्स दिए कि इस तरह से मॉडलिंग्स होती? अच्छा, तो इसके अलावा मॉडलिंग के अलावा और क्या क्या करते हो आप? स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स जैसे? कराटे। कराटे मारते पीटते हो? ये स्कूल में करते हो आप कराटे, कि आपकी कोई जो कराटे ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके साथ कराटे? स्कूल से स्टार्ट हुए। अच्छा, तो उसमें भी कोई इवेंट्स में भाग लिए हैं आपने? कराटो में आप ज़्यादातर लड़कियों को ही पीटते हो कि लड़कों को भी पीट देते हो? गर्ल्स आती है। आपका जो आपके साथ फाइट करने वाली लड़की ही होती है, लड़के नहीं? लड़कों के साथ कोई फाइट नहीं कि डरते हो? नहीं। मौका मिलेगा तो उनको पीट दोगे? ये देखें कितनी खतरनाक बच्ची। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रार्थना। तो आप जम्मू के बाहर से हो? नहीं नहीं, जम्मू से ही है। जम्मू से कहाँ से? जम्मू जजकोटली से है, उधर जम्मू डिस्ट्रिक्ट ही पढ़ता हूँ। कौन सी कक्षा में पढ़ रहे हो? मैं 10th में। हाँ जी। तो उसके बाद अभी आप यहाँ पे मॉडलिंग में भाग ले रहे हो? हाँ जी। तो इसके अलावा और क्या क्या शौक है आपके? डांसिंग है, मॉडलिंग है, एंड स्पोर्ट्स में भी है। स्पोर्ट्स में कौन सा? कराटे।
ना ना, बॉक्सिंग। अच्छा बॉक्सिंग करते हो? मार किसके साथ फाइट होती है आपकी ज़्यादातर? अभी 11th में ज्वाइन करनी है, अभी इतना वो नहीं है। 11th में स्टेडियम ज्वाइन करेंगे ना, ये एमएस स्टेडियम, पता नहीं अब करना तो है, कटरा वाला करेंगे जहाँ जम्मू वाला एमएस स्टेडियम। बॉक्सिंग का क्यों शौक है आपको? पता नहीं, बॉक्सिंग में इंटरेस्ट है लोगों को मारने का। गलती की है। आपके स्कूल में सिखाते हैं ये सब? हाँ जी बिल्कुल। बॉक्सिंग भी सिखाते हैं? हाँ जी सारे स्पोर्ट्स। अच्छा, तो अच्छा लगता है आपको मतलब मारना पीटना लड़कों को खासकर? बिल्कुल। ये सारी लड़कियां लड़कों को क्यों मारना चाहती हैं? वो गलत करेंगे तो हमें मारने में बहुत मजा आता है। नहीं, हम भी कहेंगे जो गलत करे उनको पीटो। ऐसा नहीं होना हमें ही पीट रहे हो बाद में। नहीं नहीं, मम्मी पापा भी आए साथ में? सिर्फ मम्मा। तो साथ देते हैं घर वाले? ये तो नहीं बोलते हैं कि आप ये को क्या कर रहे हो? नहीं, जिस गांव से हम हैं वो लोग नहीं चाहते कि हम ये करें। पर मैं सारे पेरेंट्स से यही कहना चाहूंगी कि अपनी बेटियों का टैलेंट ना छुपाएं, उनको आगे लाएं। और मेरी मम्मा ने जैसे मुझे सपोर्ट करा, वो सारे पेरेंट्स भी उनको सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच। तो ये हमारे जम्मू की बच्चियाँ हैं, कुछ बॉक्सिंग करने में इनका पैशन है, बॉक्सिंग करेंगी। कुछ का पैशन है ये फाइट करना, ज़्यादा इनको पसंद है। कुछ डांस करना चाहती हैं। तो बच्चियों में बच्चियाँ कितनी टैलेंटेड हैं। लेकिन एक भाव हमें ऐसा लगता है जो बहुत ज़्यादा ही उग्र है, लड़कों को पीटना। और ये पीटना हमें लगता है कुछ ऐसी गलतियाँ हुई हैं हमारे समाज में, जिसकी वजह से आज हमारी ये जो नन्ही नन्ही बच्चियाँ हैं इस तरह का विचार लेकर आई हैं कि कभी मौका मिलेगा तो हम आपको बताएँगे। तो ऐसी गलतियाँ ना करें वरना अब आप पिट ही जाएंगे। बाकी आप लोग देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाजत। नमस्कार।